आई होप अब तक आपका दिवाली, सिंघम और भूल भुलैया का हैंगओवर उतर चुका होगा। वैसे इन फिल्मों के कलेक्शन के ऊपर हमें आज भी अच्छा खासा डिस्कशन देखने मिल रहा है। कोई बोल रहा है कि आजकल के फिल्म मेकर्स बहुत ही गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं और वो कचरा बेचकर सोना कमा रहे हैं एक्सेट्रा। तो कोई बोल रहा है कि भाई पब्लिक ही सी है, उन्हें कुछ भी दिखाकर कमा लो, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। पर देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। भाई अगर किसी फिल्म मेकर को बिना किसी ज्यादा एफर्ट के इतना पैसा कमाने को मिल रहा है तो आखिर वो ऐसा मौका क्यों मिस करे, वो पब्लिक के बारे में अच्छा बुरा क्यों सोचे। आफ्टरऑल मुद्दा तो पैसे बनाने का ही है और आमतौर पे दिवाली की छुट्टियों में वैसी पब्लिक ही सिनेमा देखने जाती है जिसे नॉर्मली हम सिनेमा लवर्स नहीं बोलते, और जो अपनी फैमिली के साथ बस इजी टू अंडरस्टैंड मूवी देखना चाहती है। कोई अपने बीवी बच्चों को अगर इंसेप्शन जैसी मूवी लेकर चला जाएगा तो भाई नेक्स्ट दिवाली तक वो अपने फैमिली के लिए एक्सेप्शन बनकर ही रह जाएगा और लाइफ टाइम उसे टेनेट जैसे ताने घूम घूम कर पड़ते रहेंगे। और इसीलिए भाई वो इस चक्कर में नहीं पड़ता कि क्रिस्टोफर नोलन कैसे साइंटिफिक टाइप की मूवी बनाता है या आज के समय में मार्वल यूनिवर्स कहां तक पहुंचा है। तो यहां पे आप इसे एक ऐसा इन्फिनिटी लूप मान सकते हैं जिसमें गलती दोनों की है भी और दोनों की नहीं भी, और जो फिलहाल सॉल्व होने वाला तो नहीं है, बट मे बी 2040-2050 तक जब रोहित शेट्टी सिंघम द मार्स एडवेंचर और भूषण कुमार भूल भुलैया 35 लेकर आ जाएंगे तब हो सकता है उस टाइम की जनरेशन में कोई चेंजेस आए, पर फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए ऐसे डिबेट में पढ़ने का कोई फायदा नहीं। हाँ फिलहाल आपका फायदा इसी में है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही इंडियन पॉप कल्चर से रिलेटेड नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। वैसे इस दिवाली तो सिंघम और भूल भुलैया दोनों को स्लॉट मिल गया क्योंकि दोनों को ही पता था कि या तो दोनों थोड़ा थोड़ा कमाएंगे या फिर दोनों में से कोई एक डूबेगा, पर कंफ्यूज जनता ने थोड़ा थोड़ा दोनों को देकर दोनों को ही खुश कर दिया। पर अगले तीन दिवाली कंफ्यूज जनता नहीं बल्कि ये दोनों फिल्म फ्रेंचाइजीज होने वाली है कि भाई अपनी फिल्म दिवाली में रिलीज करें या नहीं, क्योंकि भाई अभी तो क्रिंज वर्सेस क्रिंज की ही फाइट थी तो चल गई, बट अगली तो क्रिंज वर्सेस क्वालिटी की फाइट हो सकती है क्योंकि अभी से सुपर नेचुरल यूनिवर्स ने अपनी नेक्स्ट फिल्म थामा का रिलीज डेट अनाउंस कर दिया है जो है दिवाली 2025, और फिर उसके नेक्स्ट दो दिवाली में रिलीज होगी नितेश तिवारी की रामायण। अब अगर ये रामायण आदि पुरुष वाला केस हो गया तो फिर बाकी फिल्मों के लिए चांस तो बन जाएगा, बट अगर ये रामायण एक परफेक्ट रामायण बन गई तो भाई इसके आगे पीछे भी कोई दिखना नहीं चाहेगा। वैसे दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ऑल्दो यहाँ नितेश तिवारी दूध से नहीं जले हैं पर ओम राव की गलती से सीख कर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म को रोल फ्री बनाने की, और इसीलिए आपने ये न्यूज बहुत बार सुना होगा कि नितेश तिवारी अपने फिल्म के लिए प्लैनेट ऑफ द एप्स के मोकैप आर्टिस्ट को हायर कर रहे हैं तो कभी वो हॉलीवुड के स्टंट डायरेक्टर्स को हायर कर रहे हैं। भाई मेरा तो कहना है कि आप किसी को भी हायर करो, बस गरीबों के गेम ऑफ थ्रोन के इस सस्ते ड्रैगन को हायर मत करना। इधर सिटाडेल यूनिवर्स में भी इंडियन स्पाई की हायरिंग शुरू हो चुकी है और वो अपने पहले दो जासूस हनी बनी को मिशन पे भेज दिया है। वैसे यहाँ एक्चुअल मिशन तो राज एंड डीके का था कि वो कैसे एक इंटरनेशनल वेब सीरीज का इंडियन वर्जन बनाते हैं। एंड सीज अब मैं ये सीरीज पूरा देख चुका हूँ तो ये बता सकता हूँ कि यस मैं इस वेब सीरीज से डिसअपॉइंट तो नहीं हुआ, बट इसमें मुझे राज एंड डीके का वो मैजिक फील नहीं हुआ जो उन्होंने फैमिली मैन, फर्जी जैसी वेब सीरीज और गो गो गॉन और स्त्री जैसी फिल्मों में दिखाया था। और जितना सिटाडेल ओरिजिनल यूनिवर्स को बड़ा दिखाया गया, ह्यूज बताया गया, उतना ही ग्राउंडेड इसके यूनिवर्स को रखा गया। मिशन इंटरनेशनल होने के बावजूद भी वैसे ह्यूज वाला फीलिंग नहीं आ रहा था, बस इसमें एक ही अच्छी बात हुई कि इसमें बेवजह की बैक स्टोरी बताकर वेब सीरीज को स्ट्रेच नहीं किया गया। वैसे इस वेब सीरीज ने एक बात तो एक बार फिर से तय कर दिया कि वरुण धवन को जुड़वा और कुली नंबर वन जैसी फिल्मों से दूर रहना चाहिए, बाकी बंदे में एक्टिंग स्किल तो जबरदस्त है, और शायद यही एक रीजन है कि वेब सीरीज के अलावा उनके पास फिल्मों की भी अच्छी खासी लिस्ट है जिसमें से एक है बेबी जॉन जिसका भी टेस्टर कट इसी हफ्ते लॉन्च किया गया और जो मुझे पसंद भी आया। इसका ओवरऑल लुक, सिनेमेटोग्राफी, एक्शन और जैकी श्रॉफ का डेडली लुक सब कुछ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये फिल्म वाकई में पैसा वसूल होने वाली है। आपको इस फिल्म का टीजर देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। उधर आपके जियो सिम सर्विस का पैसा बढ़ाकर मोटा भाई ने फाइनली जियो स्टूडियो का मूविंग लोगो बनवा लिया। वैसे जियो स्टूडियो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि अब तक वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर और पार्ट प्रोड्यूसर ही बनता आया है, पर अब वो फुल अथॉरिटी के साथ फिल्म बनाने लग गया है। वैसे साथ ही ये अपडेट भी सामने आ रहा है कि वो पूरी शिद्दत से लगा हुआ है मैडॉक फिल्म्स को अपने में शामिल करने के लिए ताकि फ्यूचर में कोई पंगा ना हो, पर फिलहाल तो ऐसा कुछ पॉसिबल होता नजर नहीं आ रहा है। वैसे पॉसिबल तो ये भी नहीं है कि कोई स्ट्रेंजर थिंग्स का फैन हो और वो उसके अनाउंसमेंट पे एक्साइटेड ना हो। जी हां, फाइनली नेटफ्लिक्स ने ये बता दिया कि भाई रिचार्ज करने का समय नजदीक आ रहा है क्योंकि
उसके सबसे बेस्ट शो स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 आ रहा है। वैसे ये अनाउंसमेंट फैंस को हैप्पी तो करता है, साथ ही थोड़ा दुख भी देता है, क्योंकि ये सीजन इसका लास्ट सीजन होने वाला है। उसके बाद ना तो कोई स्ट्रेंजर्स आएंगे ना ही कोई थिंग होगा, क्योंकि इसके मेकर्स ने पहले ये क्लियर कर चुके हैं कि इससे ज्यादा इसे स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। अरे एकता कपूर तुम्हारे मुंह पे हंस के जाएगी, बोलेगी डफर हो ब्रदर तुम। एनीवेज अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसमें ऑल काइंड ऑफ पॉप कल्चर आ जाता है, इंक्लूडिंग कॉमिक्स भी। जी हाँ, दरअसल 13 से 19 नवंबर को इंडिया जॉय नाम का एक इवेंट होने जा रहा है, जो सम काइंड ऑफ कॉमिक कॉन टाइप का इवेंट है, जिसमें ना केवल फैंस के लिए बल्कि इसमें अलग अलग डोमेन के एक्सपर्ट्स भी आने वाले हैं। कॉमिक्स इंडस्ट्री से भी काफी सारे बड़े नाम इसमें एज ए गेस्ट स्पीकर के तौर पे आ रहे हैं। इसमें अल्फा कॉमिक्स से लेकर फॉरबिडन वर्ड्स, राज कॉमिक्स और अमर चित्रकथा जैसे नए पुराने पब्लिशिंग हाउस पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो इट्स गुड कि पहले ओनली कॉमिक कॉन हुआ करता था, पर अब उस तरह के और भी इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं जिसमें पॉप कल्चर के सारे इंडस्ट्रीज एक साथ एक ही मंच पे आ रहे हैं। तो अगर आपको ये इवेंट अटेंड करना है तो आपको सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर करें। फाइनल अपडेट है अल्फा कॉमिक्स की तरफ से, जिन्होंने इस हफ्ते भी दो नए कैरेक्टर्स का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें से पहला एक किड सुपर हीरो है सुपर किड आरबी के नाम से, जिसका पावर सोर्स शायद रैम्बो है, और दूसरा है बेलडोर जो काइंड ऑफ हमें ओल्ड हल्क टाइप का नजर आ रहा है। फिलहाल दोनों कैरेक्टर को बस रिवील किया गया है, इसका एक्सपेक्टेड डेट कुछ भी नहीं बताया गया है, बट इट्स गुड कि अल्फा कॉमिक्स अपने यूनिवर्स को तेजी से एक्सपेंड करता जा रहा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।